जय भीम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। भारत दस्तक, भोजनों की हर खबर आपके घर तक। दोस्तों ये है भोजन प्राइम टाइम। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स की। सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है कि बसपा बनाने जा रही है बहुमत की सरकार यूपी में। हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव 2022 को लेकर बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि 2022 के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बसपा पूरे बहुमत के साथ जीत रही है और जनता बसपा के साथ है। गुंडों की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार वो हटाना चाहती है प्रदेश से, और अखिलेश यादव को पहले भी नकार चुकी है यहाँ की जनता, इसलिए अब बसपा की सरकार आने वाली है। आप क्या कहते हो इस बारे में, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगली जो अपडेट है वो पंजाब चुनाव को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम होगा पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो दोस्तों अकाली दल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि अगर बसपा अकाली दल सत्ता में आते हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल की सत्ता आती है पंजाब चुनाव, ये दोनों जीत जाते हैं, इन दोनों का गठबंधन जीत जाता है पंजाब चुनाव, तो जो उप मुख्यमंत्री होगा वो होगा बसपा से और हो सकता है कि दलित समाज से हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो पंजाब में भी दलित कार्ड खेला जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर। अब अकाली दल ने ये घोषणा भी कर दी है कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, हमारा गठबंधन चुनाव जीतता है, तो जो उप मुख्यमंत्री होगा वो बसपा से होगा और दलित भी हो सकता है। दोस्तों अगली जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही वो आ रही है संजीव जायसवाल, जो कि एक डायरेक्टर है जिन्होंने द शुद्रा द राइजिंग मूवी बनाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब वो एक बाबा साहब के ऊपर वेब सीरीज लेकर आने वाले हैं और ये वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म बाबा प्ले पर आने वाली है। दोस्तों संजीव जायसवाल जी अक्सर बाबा साहब को लेकर, भोजन कम्युनिटी को लेकर, भोजन आइडियोलॉजी को लेकर मूवीज और वेब सीरीज निकालते रहते हैं। दोस्तों उन्होंने एक आर्टिकल में एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत में अगर भ्रष्टाचार के बाद दूसरे नंबर की कोई बड़ी चीज है तो वो है जातिवाद। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और उसके बाद जातिवाद होता है, और मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना यह है कि भारत में भ्रष्टाचार से भी ज्यादा जातिवाद होता है। यानी कि भ्रष्टाचार तो कोई व्यक्ति किसी के साथ भी कर सकता है, लेकिन भारत में कोई व्यक्ति किसी के साथ शादी नहीं कर सकता, किसी के साथ बैठ के खा नहीं सकता, उसके लिए उसके वो सामने वाले बंदे की जाति ही देखता है, लेकिन भ्रष्टाचार किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों संजीव जायसवाल जी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हो, आपको भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार लगता है या जातिवाद लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है भाई, जाकर कमेंट करिए। दोस्तों भीम आर्मी भी लड़ने वाली है 2022 का विधानसभा चुनाव, यानी कि भीम आर्मी की पार्टी आजाद समाज पार्टी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी, जो लगातार कैंपेन कर रहे हैं प्रयागराज हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यह पार्टी सत्ता में आती है तो दलितों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा होगा गौहरी हत्याकांड, एक दलित परिवार को निर्दय तरीके से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। हाथरस आपको याद होगा, आगरा आपको याद होगा, किस प्रकार से एक वाल्मीकि लड़के के साथ पुलिस वाले उसको थाने ले जाते हैं और मार देते हैं। दोस्तों अगर इन सब से निपटारा चाहते हो, ये सारे अत्याचार से आजादी चाहते हो, तो आपको आजाद समाज पार्टी को वोट करना चाहिए, ऐसा कहना है चंद्रशेखर आजाद जी का। वो कहता है कि मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी जनता के बीच में जाऊंगा, अपने बहुजन समाज के बीच में जाऊंगा कि किस प्रकार से इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुजनों का यानी कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, किस प्रकार से धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को मारा जा रहा है धर्म के नाम पर। इन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है आजाद समाज पार्टी, और यही होगा आजाद समाज पार्टी का मैनिफेस्टो। यही अपील करेंगे जनता से चंद्रशेखर आजाद जी, अगर आप इन सारी चीजों से निपटारा चाहते हो, आजादी चाहते हो, तो आजाद समाज पार्टी को वोट दीजिए। तो यही मुद्दा बनाने वाली है भीम आर्मी 2022 के विधानसभा चुनावों में। तो दोस्तों आज का बहुजन प्राइम टाइम यही खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहकर ये भारत दस्तक, भोजनों की हर खबर आपके घर तक।